नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर 2 सितंबर से महालय श्राद्ध की शुरुआत हो रही है। इस बार श्राद्ध पक्ष का आरंभ बुधादित्य योग के साथ हो रहा है। सर्व पितृ अमावस्या पर पक्षकाल का समापन शुभ योग के संयोग में होगा। 16 दिवसीय श्राद्ध में 10 दिन अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का विशिष्ट संयोग भी रहेगा। धर्म शास्त्र के मुताबिक शुभ संयोगों की साक्षी में पितरों का श्राद्ध करने से शुभ कार्यों को प्रगति मिलेगी। मांगलिक कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे। हालांकि कुछ पंडित इसकी शुरुआत 1 सितंबर से ही बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार श्राद्ध पक्ष में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष में पूर्ण तिथियां रहेंगी। वहीं बुधादित्य योग में बुध और सूर्य की युति सिंह राशि में रहेगी। धर्मशास्त्र और पौराणिक मान्यताओं से देखें तो पितरों का पृथ्वी पर आगमन सिंह राशि के सूर्य से तुला राशि के सूर्य पर्यंत रहता है। इस वक्त पितृ अर्थात पूर्वज अपने अग्रजों की ओर देखते हैं और जल पिंड दान की आशा करते हैं। घर में सुख समृद्धि और पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना जरूरी है। बता दें कि पितरों को मृत्यु के 1, 3, 5, 7, 9 और 11 साल के भीतर श्राद्ध में लेना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी तिथि पर उन्हें श्राद्ध में लेना चाहिए। इसके बाद हर साल श्राद्ध पक्ष में तिथि के दिन ही श्राद्ध करने का विधान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।